sharing. Today we will understand the meaning of has and have. Yes, has and have. Has and have, dono hi present tense mein use hote hain. Present tense yani ki vartman kal, wo time jo bhi chal raha hai. Second, have jo hai, wo kuch sarvanam ke baad lagta hai, jaise ki I, we, you and they. Third point, has jo hai, wo he and it, in sab ke baad mein lagta hai. To aao hum study karein, has aur have kaise aur kahan use hone hain. सबसे पहले मैं बताऊंगी आई, आई के साथ हैव का यूज। अगर आपके पास कोई भी चीज है या फिर कोई चीज नहीं है, उसको बताने के लिए आप आई के साथ हैव का यूज करेंगे। इसके एग्जांपल मैं देती हूँ। एग्जांपल कुछ इस तरह है, जैसे आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। देखो कितना सुंदर पपी है ये। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या आप बता सकते हो कि मैं क्या ड्रॉ करने वाली हूँ? ये मेरे पास है। कुछ पता चला आपको? यस, कार है ये, ग्रीन कार। तो मेरे पास कार भी है और ग्रीन कार है, तो इसका इसके लिए मैं हैव यूज करूंगी और बताऊं बोलूंगी आई हैव अ कार। यस, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव अ कार। आई हैव अ टेडी बियर, मेरे पास एक टेडी बियर है जो कि बहुत ही सुंदर है। आप देख लीजिए कितना प्यारा टेडी बियर ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। हाउ स्वीट इट इज, इजंट इट? ऑफ कोर्स इट इज। एंड अगर आपको अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना है, जैसे आईज, नोज, ईयर, टंग, फीट एक्सेट्रा, तो उसके लिए भी आप आई के साथ हैव का यूज करेंगे। जैसे आई हैव टू आईज, I have one nose, I have two ears and all like that. साथ में ही फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं हैव के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी। फिलहाल मैंने हैव के यूज के बारे में बताया है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेके आऊं। इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड बॉडी पार्ट्स के एग्जांपल मैं रिटर्न में दे रही हूं, जो कि इस प्रकार हैं। आई हैव टू आईज, मेरी दो आंखें हैं। आई हैव वन नोज, मेरी एक नाक है। आई हैव टू ईयर्स, मेरे दो कान हैं। आई हैव वन टंग, मेरी एक जीभ है। आई हैव टू हैंड्स, मेरे दो हाथ हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ भी हैव लगता है। अगर हमें बताना है किसी को कि हमारे कितने बहन, कितने भाई, कितने आंटी, कितने अंकल हैं, तो हम आई के साथ हाफ का यूज ही करेंगे। हमारे फैमिली मेंबर्स तो आपको पता ही होगा ना कौन होते हैं जो हमारी फैमिली में हमारे साथ रहते हैं। इसके अलावा अगर हमारा कोई फ्रेंड है या कोई आंटी अंकल है, तो उनको बताने के लिए भी हम यही बताएंगे, आई हैव वन आंट, आई हैव वन आंटी एंड ऑल लाइक दैट। जैसे कि इसमें मैं बता रही हूँ कि मेरा छोटा भाई है, आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। नेक्स्ट, आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। इसी तरह अगर आपको किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में बताना है कि आपके पास कौन सा फैमिली मेंबर कितना है, तो उसके लिए आप आई के साथ हैव का यूज करें और उसके बाद अपने फैमिली मेंबर का नाम ऑब्जेक्ट में लिखें या फिर रिलेशन। आई हैव वन ब्रदर, आई हैव वन सिस्टर, आई हैव वन मॉम, आई हैव वन डैड एंड एटसेट्रा और लाइक दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो हैज के लिए जल्दी ही लेकर आऊंगी।